हर पार्टी ने इसको कहा कि ये कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट है, अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें जो पैरामीटर्स हैं डिलिमिटेशन के खिलाफ पहले 2026 में होनी थी और पहले की उन्होंने जो पार्लियामेंट ने पास किया था, लेकिन जो पैरामीटर्स होते हैं इनके पास जो जो एक मेयार होता है किन बुनियादों पे वो किसी को खाने से बढ़ाएं, किन बुनियादों पे घटाएं, किन बुनियादों पे चेंज करें, उन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया गया, टोटली उनको इग्नोर किया गया। 2011 का सेंसस जो है उसके मुताबिक लेटेस्ट वही सेंसस हमारे पास अवेलेबल है, 2020 का 21 का भी सेंसस नहीं हुआ है, तो उसको तो टोटली नज़रअंदाज किया गया। और अपनी मनमानी जैसे एक पार्टी का एजेंडा है, पार्टी ने एक अपना एक एजेंडा दिया है उसके मुताबिक चल रहा है। बहुत चीज़ें हम जवाब देंगे, अब 13 को भी मीटिंग हो रही है, आज भी हमारी मीटिंग हो रही है, पूंछ राजौरी के लोग भी होंगे तो वो बात करेंगे, तो उसमें सर 13 को गुपकार की मीटिंग बुलाई गई है, अलायंस पर चर्चा होगी। हाँ उसमें बुलाई बीजेपी कैसे हुआ? नहीं बीजेपी कहते, आप खुद हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा ऐसा नहीं होगा। विरोध रहेगा सर इसका आपका पूरी तरह से? हमने तो उसी दिन विरोध किया है जिस दिन डॉक्टर साहब ने, मसूदी साहब ने और अकबर लोन साहब ने जब मीटिंग में सीट मेंबर्स पार्टिसिपेट किया तो उसी वक्त उन्होंने कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमें। डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आने पर जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी माहौल जो है वह गर्माना शुरू हो चुका है, और जिस तरह से आपने देखा कि इस समय अली मोहम्मद सागर जी को आप सुन रहे थे उनका क्या कुछ कहना था, और इसके साथ साथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती द्वारा भी ट्वीट कर जानकारी दी है और इस रिपोर्ट को लेकर जो है नाराजगी जताई गई है, और इसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस हो तमाम अन्य पार्टियों द्वारा ये कहना है कि इस रिपोर्ट को जो है एसोसिएट मेंबर्स को जो सौंपा जरूर गया है मगर ये रिपोर्ट जो है सिर्फ एक पार्टी के लिए और एक पार्टी को फायदा देने के लिए ये रिपोर्ट बनाई गई है, और ये रिपोर्ट को लेकर हर एक ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से जो है एक बड़ी नाराजगी जताई जा रही है। हालांकि अंतिम तिथि जो है वो 14 तारीख को दी गई है, और इससे पहले 13 तारीख को ये भी बताया जा रहा है कि गुपकार अलायंस की एक बड़ी बैठक हो गई और उसमें हो सकता है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया जाए, और इस समय अली मोहम्मद सागर जी को आप सुन रहे थे उनका क्या कुछ कहना था वो भी बातें हमने रखी हैं। उन्होंने ये कहा है कि आम जनता के हित में नहीं है और सिर्फ एक पार्टी को फायदा देने के लिए ये रिपोर्ट जो है बनाई गई है, और आम अपोजिशन पार्टियाँ जो है एक पूरी तरह से तैयार होकर जो है तंज कसना शुरू कर चुकी हैं। ये बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, तब तक के लिए आप बने रहे जेके 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ, धन्यवाद।